गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। और आज हमको निकलना है, जैसा कि मैं अभी रोज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि कहीं मैं जा रही हूँ, है ना। कहीं मुझे इनवाइट किया गया है, लेकिन अब बस 2-3 दिन का आप लोगों को वेट है। मतलब 2-3, मुश्किल से 2 या 3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा और आप लोगों के सामने सब ओपन हो जाएगा कि मेरे साथ भगवान ने कितना अच्छा किया है। अभी तक तो बुरा ही बुरा हुआ था, लेकिन अच्छे के साथ बुरा और बुरा के साथ अच्छा, ये सब लगा रहता है। सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख, सब कुछ ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रहती है लाइफ में। ये चीज़ आप लोग भी अपने माइंड में बिठा लेना कि यदि आप लोग आज परेशान हो तो ये सोच के मत चलना कि हम जिंदगी भर परेशान रहेंगे। आज नहीं तो कल आप लोगों को फिर से अच्छा कुछ होगा। जैसे कि मैं बहुत परेशान रही, आप लोगों के साथ सारी स्टोरी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अच्छे दिन भी आते हैं। ऐसा नहीं है सारे दिन एक समान नहीं होते हैं। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए। ये मत सोचिए कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, अब हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, ऐसा कभी मत सोचिए। भगवान सब पे नज़र रखता है ना। सबके लिए अच्छा करता है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर के ही लिए कोई अच्छा करता हो, लेकिन वो सबके लिए सोचता है। लेकिन कभी कभी थोड़ी सी देर हो जाती है, क्योंकि ये हमारे ही कर्म रहते हैं जिनका फल हमको मिलता है। हमारे ही कर्म जो हमने जैसे करे हैं उनको हमको भुगतना तो पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ ही आपकी डिस्टर्ब होकर चलती है। कभी ना कभी सब अच्छा होता ही है, ये चीज़ माइंड में बिठा लीजिए। तो चलिए गाइस, एक और चीज़ मेरी रह गई थी जो मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं अभी तक सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ क्या क्या हुआ मेरी लाइफ में इतने सालों में। तो एक बात और है जो मेरी बेटी से रिलेटेड है, बड़ी बेटी राधिका। कहते हैं ना कि जब घर की परिस्थितियाँ मतलब ऐसी होती हैं कि मतलब पेरेंट्स की नहीं बनती हैं आपस में, तो बच्चे एज से पहले मैच्योर हो जाते हैं। तो यही मेरी बेटी के साथ हुआ है। हालांकि मिष्टी जो है, बहुत साल का डिफरेंस है दोनों में, 7.5 साल का अंतर है। तो मिष्टी में तो अभी तो 9 साल की हैं, तो ओबियसली उनमें बचपना तो होगा ही। लेकिन राधिका टचवुड बहुत समझदार है, बहुत स्ट्रांग है। अभी से अभी 16 साल की हो गई हैं वो, 17 उनकी रनिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार है राधिका। मैं आपको बताऊँ मतलब हर चीज़ को बहुत, मतलब जित कभी कभी तो वो मुझे समझाती है, मैं आपको बताऊं कि नहीं मम्मा ऐसा, नहीं मम्मा ऐसा। मतलब बच्चे जब हालात देखते हैं ना घर के, तो बच्चे पहले मैच्योर हो जाते हैं, और जो चीज़ को वो देख के चलते हैं ना पेरेंट्स का, तो वो बच्चे पहले से ही मतलब उन्हें रहता है कि नहीं यार मेरी, और वो सही गलत बहुत अच्छे से जान सकते हैं बजाय दुनिया वालों के, क्योंकि उनने सब कुछ देखा होता है कि सही कौन है और गलत कौन है, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने सब घटित होते देख रहे हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राधिका के फादर, जो बायोलॉजिकल फादर हैं, फादर थे सॉरी, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनका जो डेथ हुआ लास्ट ईयर 9 जून 2022 को हो गया। एक्चुअली गाइस, जैसा मैंने हमेशा बताया कि वो काफ़ी ड्रिंक करते थे और अर्निंग नहीं करते, तो मेरा उनसे अलग होने का मेन कारण था अर्निंग नहीं करना। इतने सालों तक, 14 साल तक मैं उनके साथ रही, कुछ अर्न नहीं करना, अपनी माँ की ही कमाई पे ऐश करना, और दूसरा मतलब इतना ड्रिंक करना कि सुबह शाम वो ड्रिंक में ही रहते थे। ये है, काफ़ी समझाया, उनकी माँ ने भी समझाया, हमने भी समझाया, ऐसा नहीं है, खूब समझाया। लेकिन क्या कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इंसान को समझ में नहीं आता है कि क्या अच्छा क्या। जब हम लोग उनसे अलग हो गए, तब हमें पता चला, लोगों के माध्यम से पता चलता है कि काफ़ी टाइम तक उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमने गलती करी लाइफ में। मतलब एंड जब लास्ट उनका टाइम चल रहा था, दैट टाइम उनको रियलाइज़ हुआ। उस टाइम उनने राधिका को, बच्चों को, मिष्टी को बहुत याद किया, लेकिन हम तक कोई खबर नहीं आई थी, तो हम ना उनको लेके जा पाए उनके पास तक। हमें बस इतना पता चला था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और
कहीं ना कहीं हमें एहसास था ना, क्योंकि जो इंसान इतनी ड्रिंक करता है तो वो कितने साल जिएगा, आप खुद बताइए। और वो पहले से ही उनका लीवर थोड़ा ख़राब होने लगा था, और सुबह शाम उनका कुल्ला भी, ये बोलना चाहिए ना, तो ड्रिंक से ही होता था, ये चीज़ था। क्योंकि सब के माध्यम से मुझे खबर तो मिलती रहती थी कि क्या चल रहा है वहाँ पर मेरी ससुराल, क्योंकि सेम प्लेस पर ही है हमारी ससुराल, और मैं मायके में रह रही थी। लेकिन जब हमें पता चला कोरोना के टाइम पे कि उनका तबीयत बहुत ख़राब हुआ है और वो चक्कर खा के वहीं गिर गए, लेकिन कोई उन्हें देखने भी नहीं आया, मुंह से झाग निकल गया था उनके, ऐसा मुझे मोहल्ले वालों ने बताया। और कहला कि फिर उनको भर्ती किया गया, तो कोरोना तो नहीं था, लेकिन जब मतलब उनको वहाँ पे एडमिट किया, डॉक्टर ने देखा तो उनका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था। दूसरा, उनके पैर में इतने फ्रैक्चर्स आए थे कि रॉडें डल गई थी दोनों पैर में, और करीब 6 से 7 महीने उनको रिकवर होने में लगे, लेकिन वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए। फिर वो घर आए, लेकिन उनका जो तबीयत एक बार जो ख़राब हुआ वो और बद से बदतर ख़राब होता चला गया, ऐसा मुझे पता चला। क्योंकि मैं देखने नहीं गई थी, क्योंकि मैं ये चीज़ सोचती थी हमेशा से, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि मतलब उसकी याद नहीं आती हो, क्योंकि अच्छे मोमेंट्स भी थे हम लोगों की लाइफ के, तो कहीं ना कहीं। और लव मैरिज थी तो लेडीज़ ज़्यादा ही अटैच रहती है मतलब हस्बैंड से, लेकिन कहीं ना कहीं इतना कुछ बुरा हुआ था कि मेरे कदम रुक जाते थे। मैंने कई बार सोचा कि मैं उसको देख कर आऊँ एक बार, लेकिन मन नहीं हुआ। और दूसरी बात ये हुआ कि मन हुआ भी तो उसकी जो माँ का नेचर था, मेरी मदर इन लॉ का, मतलब बहुत ही खतरनाक, मतलब मैं जो और भी जो हम लोग के इतने बीच में डिफरेंसेस हुए उनकी माँ के ही कारण थे बहुत ज़्यादा। तो मुझे यही लगा कि यदि मैं देखने जाऊंगी तो फालतू ही तिल का ताड़ बनाएगी कि अब आ गई यहाँ पर ऐसा वैसा, मतलब बहुत सी बातें मेरे माइंड में थी। और मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि वो इंसान इतनी जल्दी चला जाएगा, यार कौन सोचता है ये चीज़, कोई नहीं सोचता। हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ये था, लेकिन ये एहसास भी नहीं था। और राधिका को भी मतलब ऐसा था कि उसके उसको अपने पापा से उतना अटैचमेंट तो रहा है, एकदम ऐसा नहीं, जैसे मिष्टी तो कुछ इतना जानती भी नहीं है, लेकिन राधिका तो उनके साथ रही हैं, तो उन्हें मतलब ऐसा है कि रहा अटैचमेंट के उनके पापा हैं ये है। लेकिन राधिका को भी एहसास तो है कि उनके फादर ने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया, हमेशा उनकी माँ ने ही उनके लिए कुछ हमेशा मतलब करते आ रहे हैं ये है। तो जब क्या हुआ कि उनका ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया, तो मुझे मोहल्ले वालों ने बताया एक दिन पहले उनकी डेथ के, मतलब सुबह ही, शाम को उनकी डेथ हो गई। सुबह मेरे पास मतलब मेरी ही एक फ्रेंड वहाँ रहती है, तो उसका फ़ोन आता है कि भाभी ऐसा ऐसा हो रहा है और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और उनकी मदर भी उनके पास नहीं है ऐसा। तो मैंने कि मैं आऊं क्या, मैंने ऐसा बोला, तो कहले नहीं यदि आप आओगी तो ऐसा ना हो यहाँ हंगामा बहुत ज़्यादा हो जाए। तो मैंने कि उनके कोई एडमिट कराने के लिए नहीं है, कहले कि नहीं है, मतलब उनके फ्रेंड वगैरह हैं जो उनको मतलब ऑटो से ले जा रहे थे और वो वहीं पर ही गिर गए ऑटो से। तो मेरा तो ऐसे धक से जी हो गया। अच्छा, क्या हुआ कि वो उनकी डेथ उसी टाइम ही हो गई थी और मुझे मोहल्ले वालों ने नहीं बताया, मुझे बस इतना ही बताया कि तबीयत उनकी ख़राब है। अच्छा, फिर सुबह मेरे पास 6 बजे फिर फ़ोन आता है। अच्छा, मेरे को थोड़ा एहसास हो गया था कि शायद कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं इतना मतलब मेरी आंखों से छर छर आंसू गिर रहे थे कि यार ये आदमी मतलब टाइमिंग सुधर जाता तो शायद इतना कुछ आज लाइफ में नहीं होता और ये इतना बिगड़ता भी नहीं इसका तबीयत। फिर जब सुबह 6 बजे मेरे पास कॉल आता है कि बोलते हैं कि भाभी आप आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे मतलब उनसे मतलब मेरे हस्बैंड का नाम निशांत है, निशांत था, तो वो बोलते हैं कि निशांत भैया नहीं रहे। तो मैं तो शॉक्ड हो गई और मतलब मैं तो रात भर से रो ही रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान, मतलब अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं था तो हस्बैंड ही ना, भले ही अलग हो गए थे, डाइवोर्स हो गया था, लेकिन था तो हस्बैंड ही ना। फिर क्या हुआ कि मैंने अपनी मदर को बोला उतनी सुबह जाके कि मम्मी राधिका के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मम्मी भी शॉक्ड, मम्मी कहती तुम जाओगी? मैंने कहा नहीं मम्मी, जाऊंगी तो मैं, क्योंकि अब इस टाइम यदि मैं नहीं गई तो मतलब फिर कोई वो ही नहीं ना, अब आखिरी मोमेंट है, बच्चों को लेके मुझे जाने दो। तो मम्मी कहती है कि बेटा हंगामा ना करे उसकी माँ,
तो मैंने कहीं देखा जाएगा जैसा भी होगा। और फिर मम्मी कहती एक बार भाई से पूछ लो, क्योंकि अब जब अपन मायके में रह रहे हैं तो अपने बड़ों से अपन को पूछना ही पड़ता है, हम अपनी नहीं चला सकते हैं। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया तो भाई ने मुझे क्लियर मना कर दिया कि नहीं नहीं कहले तुम जानो, तुम्हारा काम जान, लेकिन मेरी तरफ़ से तो ना है। तो मैं और रोने लगी और मैंने कि अभी तक मैंने अपनी बेटी को नहीं बताया था, बेटी मेरी सो रही थी। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने अपने मतलब मेरी जो छोटी सिस्टर है उसके हस्बैंड मतलब लॉयर हैं जबलपुर हाई कोर्ट में, तो मैंने उनको कॉल किया। मैंने कि इनसे मुझे सही सलाह मिल सकती है कि मुझे क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो जब मैंने उनको कॉल किया तो वो बोले कि दीदी वो बायोलॉजिकल फादर है राधिका मिष्टी के और आपको जाना ही पड़ेगा। वो कहले वो जो कुछ भी बोले आप सुन लेना, अब आखिरी टाइम है, इतना सुना है आपने लाइफ में, ये टाइम और सुन लेना। और बस मैंने ये सुना और मैंने कि भाई भैया आप है ना राजू भैया मतलब मेरे भैया से बोल दीजिए कि मुझे जाने दें। फिर उनने भैया को कॉल किया, भैया का कॉल आया, कहला अच्छा तू चली जा। मैंने गाड़ी उठाई, दोनों बच्चों को मैंने पहले तो राधिका को बोला, राधिका को मैंने जगाया, बेचारी सो रही थी। मैंने कि राधिका उठो उठो, अच्छा मेरे हालात ऐसी हो गई थी कि मेरे चेहरे से समझ में ही आ रहा था कि कुछ ऐसा हुआ है। तो वो एकदम से घबरा गई, मैं रोने लगी उसे देख के कि बेटा उठो उठो, मतलब मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे गाइस। मैंने कहा बेटा उठो, मैंने कहा बेटा तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो भी एकदम रोने लगी, कहली मम्मी क्या हो गया पापा को। मैंने कहा बेटा पता तो था उनका मतलब तबीयत इतना ख़राब चल रहा था, और अपन सोच के भी निकली। कहली मम्मी मुझे कल रात में मतलब कल शाम के टाइम में वहीं से ट्यूशन से निकली थी, मेरे माइंड में आया था कि मैं एक बार मतलब घर अपना दिखता है वो वहाँ रही है, कहली मेरा मन हुआ था कि मैं अंदर तक चली जाऊँगी एक बार, लेकिन दादी के डर के कारण मैं अपने पापा से नहीं मिल पाई, कहली एक बार मैं उन्हें देख लेती। तो मैंने कहा ठीक है बेटा अब क्या कर सकते, जो हुआ हुआ, अब वो इंसान तो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। मैंने कि चलो बेटू, कहली मम्मी अपन चलेंगे। और वो तुरंत बोलती है कि मम्मी मैं पापा का अंतिम संस्कार करूँगी। तो मैंने बोला भी कि बेटा वहाँ पे कोई कुछ कहे ना अपन से, तो कहती नहीं मम्मी अब जो पापा ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई कभी भी। सोचो वो लड़की के माइंड में क्या था, कहने लगी पापा ने कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति, हम तो समझदार है ना, हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। कहले आज बेटा होता तो क्या नहीं करता, मैं बड़ी बेटी हूँ, मैं ज़रूर उनका अंतिम संस्कार करूँगी। और उस वहाँ गए हम लोग, मैं तो नहीं गई वहाँ तक, मैं बगल में पड़ोसियों के बैठी रही। मैंने राधिका को भेजा, तो वहाँ पे डेड बॉडी नहीं आई हुई थी, क्योंकि जब वो डेथ हुई थी उनकी तो उनके पास कोई था नहीं, तो वो पोस्टमार्टम हुआ उनका, तो डेथ बॉडी बाद में मिली थी। तो राधिका गई तो उसकी बुआ थी वहाँ पे, तो वो मतलब रोने लगी और राधिका से कहने लगी कि आप आ रही हो तुम। तो राधिका ने बोला कि आप लोग ने हमें खबर क्यों नहीं करी। तो उन्होंने फिर कोई रिप्लाई नहीं दिया, मेरा भी नहीं पूछा कि मम्मी आई कि नहीं आई। अच्छा मैं पड़ोसियों का बैठी, मैं बस मेरा जी इतना घबरा रहा था, बार बार मैं देख रही कि अभी तक उनकी डेड बॉडी नहीं आई है, लेकिन मेरे से नहीं रहा गया। और मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि मैं तो जा रही हूँ, जो होगा मैं सह लूँगी। और मैं चली गई उनके घर। गई तो मेरी ननंद बोलती है मेरे से कि अब आई हो भाभी आप। तो मैंने ये बोला कि अब आई क्या बोलूँ मैं, मुझे क्या बुलाया गया था, मुझे बताया गया था क्या यहाँ पे कि उनके यदि मैं आती तो हंगामा ना हो जाता यहाँ पे। फिर खैर सब बात ऐसी हुई और भगवान का लाख शुक्र रहा कि उनकी माँ ने भी हम लोगों से कुछ नहीं बोला और उनकी डेड बॉडी आई। फिर उनको लेके गए तो राधिका ने बोल दिया कि हम करेंगे इनका, तो राधिका उनकी डेड बॉडी के साथ गई, वो जो लेके जाते हैं क्या बोलते हैं मटका, और लेके गई और वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया। मतलब सोचो इतनी सी लड़की ने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे डर लग रहा था कि मैं ऐसा बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ, कि मतलब वो अपने फादर को अग्नि दे रही थी। और छोटी है यार, 16 साल की, अभी कहाँ की आप 16, जब तो 15 साल की थी। तो बड़ा दुख हुआ। और फिर हम लोग वापस आए और वो जो शमशान घाट से लौट के आई सीधे इधर आ गई हमारे ही घर पे, मतलब अपनी नानी के घर पे, वहाँ नहीं गई वो। और आके सीधी नहाती है, और नहा के आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब एक मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग ये सब कर सकते हैं जो मेरी बेटी ने किया। बैग उठाया अपनी कोचिंग का,
और उसकी आंखों में उस टाइम कोई आंसू नहीं थे, बस वो जितना उस टाइम रोल ही रोली और कोई आंसू नहीं। वो कहती है, माँ मैं कोचिंग जा रही हूँ। तो मैंने बोला भी, उसके नाना जी ने भी बोला, बेटा आज मत जाओ। कहने, नहीं मम्मी, मैं जो मेरा कर्तव्य था मैंने निभा दिया, लेकिन अब मैं अपनी कोचिंग जा रही हूँ। और वो उठाया बैग, वो अपनी फ्रेंड के साथ कोचिंग चली गई। तो मैं, मतलब मैं इतना रोने लगी और सोचने लगी कि यार कोई लड़की इतनी भी स्ट्रांग हो सकती है? मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हूँ और वो अभी से इतनी स्ट्रांग है, सच में हर चीज़ में बहुत स्ट्रांग है, टचवुड बहुत ही ज़्यादा, कि किसी लड़की के फादर ख़त्म हुए हों और उसका रिएक्शन क्या रहा है आप लोगों ने देखा। फिर दूसरे दिन, मतलब हम लोगों के लिए खबर आती है वहाँ से कि, मतलब मेरी ननंद मुझे कॉल करती है कि भाभी वो हम लोग को तो जाना है यहाँ से, और कहने लगे कि 13वां तक हम लोग इंतज़ार नहीं कर सकते उनका, और हम आज ही सब कुछ करके जाएंगे। तो मैंने कहा अभी तो उनकी अग्नि भी ठंडी नहीं हुई होगी, क्योंकि शाम के टाइम उनको दाह संस्कार हुआ था और सुबह सुबह ये कॉल आ गया। तो कहती नहीं, वो जैसा भी हो हम लोग सब करके और अभी निकल जाएंगे, इसलिए हम लोग उज्जैन जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि राधिका और आप चलो, क्योंकि राधिका ने ही उनका अंतिम संस्कार किया है और पूजा हमें राधिका के ही हाथ से करानी पड़ेगी। तो फिर मैंने अपने मदर फादर से पूछा, क्योंकि बिना पूछे तो हम जा नहीं सकते थे। तो मैंने कि मम्मी पापा ऐसी ऐसी बात है और वहाँ से कॉल आया। तो पापा बोले ठीक है आप चले जाओ। तो मैं और राधिका दोनों गई, मिष्टी को मैं माँ के पास छोड़ गई और वहाँ पर उनकी सारी पूजा वगैरह करा के फिर दूसरे दिन हम लोग वापस आ गए। मतलब वो लोग तो वहीं इंदौर की रहने, इंदौर में ही हुए, उसकी ससुराल मेरी ननंद की, तो वो वहीं रुक गए। और उसकी, आप लोग ब्लेम नहीं करोगे, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किसी माँ का यदि बेटा ख़त्म हो जाए, वो भी जवान जवान, 42 ईयर के थे, ज़्यादा साल के नहीं थे वो, तो आप लोग खुद देख सकते हो कि उस माँ का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ नोट करी, क्योंकि उसकी माँ बहुत स्ट्रांग रही है, क्या पता और क्या नेचर रहा है शुरू से, कि मतलब इतना अटैचमेंट नहीं रहा उनको। मतलब वो लेडी आराम से हंस रही बैठी आगे गाड़ी में, मतलब जब हम लोग यहाँ से विदिशा से इंदौर तक, उज्जैन तक गए, तो आराम से वो बढ़िया समोसे वगैरह खा रही सब कुछ। तो मुझे, मतलब मेरे मुंह से निवाला नहीं उतर रहा, मेरे आंखों से आंसू नहीं उतर रहा, जबकि मैं 4 साल से उस इंसान से अलग हो गई थी, 2017 में अलग हो गई और 2022 में उनकी डेथ हुई है, और लास्ट 2 ईयर्स से तो मैंने उनको देखा भी नहीं था, ये तो भी मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहा। और जिस औरत ने पैदा किया है उसका बेटा, इकलौता बेटा, वो आराम से खा पी रही है, हंस रही है अपने दामाद के साथ बैठ के, और इवन मतलब इसका भी मकान तक का भी सौदा होने लगा। मतलब ये सब चीज़ें मैंने अपने कानों से सुनी कि जो मकान ऊपर का हमने बनाया था और जो मेरी मदर इन लॉ के नाम है, जहाँ ये लोग रहते हैं मेरी ससुराल, उसकी भी बातें चल रही थी कि ये बेचना है ऐसा वैसा। तो खैर मैंने इस चीज़ पर कुछ वो भी नहीं किया रिएक्ट, क्योंकि मुझे तो खैर कोई आशा भी नहीं है, वहाँ से हमें कुछ मिलना भी नहीं है, क्योंकि यदि हमसे सब लोग बोलते हैं कि राधिका से बोलो, मतलब राधिका के माध्यम से आप केस डलवाओ, क्योंकि दादी की जायदाद में बच्चों का पूरा हक होता है और आपका तो उसमें पैसा लगा हुआ है। तो भी मैंने डिक्लाइन कर दिया कि मुझे ऐसी कोई जायदाद नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, क्योंकि इतने सालों तक मैंने जो भुगता है अब मुझे कुछ नहीं, मेरा जो है भगवान है, मुझे जितना मिलना होगा मेरे भाग में होगा मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक तो छीना ही छीना है, मैंने दिया ही है लोगों को, अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है लोगों से, मैं सच बताऊं, मैंने सिर्फ दिया ही दिया है। पहली शादी हुई उसमें भी इतना कुछ, मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझसे छुड़ाया ही है पैसा, कभी उनसे मैंने लिया नहीं, मैंने कभी नहीं जाना कि एक हस्बैंड की कमाई क्या होती है। जैसे औरतें बोलती हैं ना कि आज मैंने कपड़े धो रही थी तो मेरे हस्बैंड की जेब से मैंने इतने पैसे निकाल लिए, सच बताऊँ ये सब चीज़ों के लिए मैं तरस गई थी। मतलब वो चीज़ में कितना मज़ा आता है औरतों को कि वो अपने हस्बैंड की जेब से पैसा निकाल के रख लेती हैं, उसमें कितना मज़ा होता होगा, कितना प्यार होता होगा, ये सब गाइस मैंने कभी नहीं जाना, कभी नहीं, उल्टे मुझे ही उनकी जेब में पैसे रखने होते थे, क्योंकि कमा मैं रही थी, वो तो कुछ करते नहीं थे और उल्टा मेरे से तो छुड़ा छुड़ा के ले जाते थे वो पैसे,
मतलब कब मेरे पैसे गायब हो जाते थे, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे पता ही नहीं होता था कि मेरे यहाँ पैसे तो और वहाँ से गायब हो चुके हैं, जब मैं देखती थी वहाँ पैसे नहीं होते थे गाइस। तो ये हालात थे हमेशा से, तो वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है आज, कि हमेशा स्ट्रॉन्ग बनो परिस्थितियाँ कैसी भी हो। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती हूँ, हर लेडी से बोलती हूँ, स्ट्रॉन्ग बनो, बहुत ज़रूरी है। आज मतलब 99% लेडीज़ परेशान है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि 99% लेडीज़ परेशान है, लेकिन कोई अपनी बात छिपा लेती है, कोई की बात छप जाती है, जैसे मैंने हमेशा बोला है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनो, अपने ही अपने अंदर घुटो मत, उस चीज़ को बाहर निकालो, लोगों से शेयर करो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा और आप अच्छी लाइफ जी पाओगे, इन सब चीज़ों से निकल पाओगे। तो आज के वीडियो में गाइस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ। हो सकता है आपको नेक्स्ट वीडियो वो ही मिले जो मैं बता रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय ऑल ऑफ यू। और वीडियो जिसको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो नए हो तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके बाय ऑल ऑफ यू।